पहली बार लोकसभा चुनाव में पिता के बिना मतदान कैसा लगा? पहली बार जब वोट किया था मैंने, जब 18 वर्ष की हुई थी, तो उनके साथ ही किया था। आज उनसे कब्रिस्तान जाके मिलके सलाम दुआ करके आई हूँ। पर यहाँ पे हम एक इंक्लूसिव सरकार की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो पूरा इंडिया अलायंस जो है साथ आया है इसी बदलाव को लाने के लिए। भावुक जरूर हूँ पर दिमाग लगा के वोट किया है मैंने। अच्छा, भरूच लोकसभा गठबंधन के उम्मीदवार है जी, भरूच में आपका प्रचार नहीं दिखा जी, वजह क्या होगी? देखिए, प्रचार की जो मेरी डेट्स वगैरह थी और प्रोग्राम से पहले से सेट थे, तो यहाँ का कोई डेट या कोई प्रोग्राम मुझे बताया नहीं गया, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर पाई प्रचार। तो गुजरात में कितनी सीटें होगी और इंडिया का जो पूरे देश का माहौल कैसा रहेगा? पूरे देश में एक परिवर्तन का माहौल है और हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे गुजरात में तो मोदी जी की हैट्रिक टूटेगी इस बार और देश में भी इंडिया अलायंस की अच्छी खासी सीटें आएंगी। तो मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि एनडीए मिला के भी 400 पार कर पाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर करना पड़े तो शायद पाकिस्तान से विधायक सांसद खरीद के लाने पड़ेंगे 400 पार करने के लिए। सवाल, भरूच लोकसभा के लिए क्या लगता है आपको, गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे या फिर कोई? नहीं, बेशक जीतेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, वो लोग बदलाव चाहते हैं, तो पूरी संख्या में बाहर निकलेंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे।